कोई भी समस्या आशा को परास्त नहीं कर सकती। कैसी भी रात सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती। क्या हुआ चंद्र को? आचार्य, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूं, किंतु अभी तक आपको जान नहीं पाया। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मैं आपको जानने लगा हूं, समझने लगा हूं, आप ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है, ऐसी कोई गहरी बात होती है जो मैं समझ ही नहीं पाता। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मेरे मन में भी रहते हैं। मैं योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे संभावित संकटों का ध्यान रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करता हूं, किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह हो पाना उचित रहता है, मात्र लक्ष्य की ओर दृष्टि और कहीं नहीं। जो संकट में खतरों से लड़ने का साहस नहीं छोड़ता, वही जीवन में सर्वोच्च उपलब्धियों का वर्णन करता है। धनानंद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा तो कर दी मैंने आचार्य, किंतु अब सोचता हूं कि इस युद्ध की विभीषिका में कितने असहाय निरपराध लोग यूं ही अपना जीवन गंवा देंगे। मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा सरल मार्ग होता तो कितना अच्छा होता आचार्य। जो युद्ध अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता है वो इतना बड़ा अपराध नहीं होता जितना उसे टालकर पशुवत जीना। तुमने मगध की जनता को सम्मान पूर्वक जीने का स्वप्न दिखाया है, उन्हें दासता से मुक्त करने का आह्वान किया है। ऐसे स्वप्न बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलते। यह युद्ध मानव को मानव की तरह जीने के लिए जितने चाहिए उतने बलिदान लेगा, किंतु बदले में उसे निर्भय होकर जीने का अवसर भी देगा।